तो पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर यूपी एटीएस का शिकंजा कस गया है। एटीएस की टीम ने सीमा को हिरासत में भी ले लिया। अब सीमा से पूछताछ की जाएगी, कैसे वो पाकिस्तान से दुबई और नेपाल होते हुए भारत पहुंची उसकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। इतना ही नहीं, पूरे सफर के दौरान इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर और उनकी कॉल डिटेल्स भी अब खंगाली जाएगी। यूपी एटीएस फिलहाल इस वक्त सीमा हैदर को लेकर के गई है, यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। यह खबर इस वक्त सीमा हैदर से जुड़ी हुई, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर यूपी एटीएस का शिकंजा कसा। एटीएस की टीम ने सीमा को हिरासत में ले लिया है। सीमा से पूछताछ की जाएगी कि कैसे पहले वो पाकिस्तान से दुबई जाती है, फिर नेपाल आती है और उसके नेपाल के रास्ते ये भारत में एंट्री करती है। ये पूरी जानकारी जुटाई जाएगी, उसकी पूरी जानकारी इस वक्त जुटाई जा रही है। दरअसल पूरे सफर के दौरान इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर और कॉल डिटेल्स भी अब खंगाली जाएगी। और इस वक्त ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राहुल, इस खबर से संबंधित और क्या जानकारी आपके पास? यूपी एटीएस की हिरासत में है सीमा हैदर, क्या जानकारी और सामने आ पा रही है? देखिए, सीमा हैदर को लेकर के यूपी एटीएस यहाँ से लेकर के गई है और तकरीबन 1:30 बजे करीब में ये लेकर के गई हुई है पूछताछ करने के लिए। और यहाँ क्योंकि जब से सीमा हैदर यहाँ पर आई थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए, यहाँ पर आई थी नेपाल के रास्ते से आई थी, तब से ही एटीएस के निगाह पर थी और आज पूछताछ करने के लिए उसे लेकर के हिरासत में लेकर के गई है। मैं क्योंकि उसके घर पे के ठीक सामने में ही हूँ और तमाम जो पहलू हैं कई एक क्योंकि जो चैट हिस्ट्री है उन सभी को लेते हुए उन सभी चीज़ों को लेकर के पूछताछ होगी। उसके अलावा जो सीमा के फैमिली मेंबर जिस तरीके से वहां पे आर्मी में हैं उनको उससे भी राहुल भी देख पा रही हूँ। आप सीमा हैदर के घर के बाहर इस वक्त खड़े हैं, ये वही घर है सीमा का। क्या सचिन को भी, जो सीमा के पति हैं, उन्हें भी लेकर के गई है पुलिस यूपी एटीएस की टीम यहाँ से पूछताछ के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये घर जो है कई दिनों से, 3-4 दिनों से यदि कहा जाए तो ये घर के लोग जो हैं ये दरवाजे को खोल नहीं रहे हैं। कई दिनों से ये दरवाजा लगातार ही बंद है और मैं एक बार फिर से कोशिश ये करता हूं मैं कि यदि कोई खोलता है तो उसके बाद कोशिश जरूर करता हूं मैं, क्योंकि तमाम यदि गांव के लोगों की भी बात किया जाए तो गांव के लोग भी यदि इसे खुलवाने की कोशिश करते हैं तो कोई भी यहां पे दरवाजा नहीं खोल रहा है। हालांकि जो फैमिली मेंबर्स हैं, मैं आपको बता दूं कि फैमिली मेंबर्स के लोग यहां पर हैं, सचिन की भी मौजूदगी यहां पर है। सीमा हैदर को यहां पर लेकर के गई है यूपी एटीएस और वहां पर जाकर के जो नोएडा यूनिट है यूपी एटीएस की वो वहां पर जाकर के पूछताछ कर रही है। बिल्कुल राहुल, बने रहिए आप हमारे साथ क्योंकि आप बता रहे हैं उस घर के बाहर हम देख भी पा रहे हैं मौजूद हैं और घर में लोग भी मौजूद हैं लेकिन वो घर का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं और इन सबके बीच में यूपी एटीएस सीमा हैदर को लेकर के गई है। दरअसल अपने दर्शकों को हम बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कौन से वो सवाल हैं जो सीमा के सामने यूपी एटीएस रखेगी। पाकिस्तान से भारत तक कैसे आई, सबसे पहला यही सवाल होगा। सीमा से एटीएस के 10 बड़े सवाल जान लीजिए इस वक्त आप। दूसरा ये कि पाकिस्तान से दुबई फिर नेपाल कैसे गई, क्योंकि सीमा इसी तरीके से जानकारी देती रही है कि कैसे वो पाकिस्तान से दुबई फिर नेपाल गई है, तो इसकी जानकारी यूपी एटीएस लेगी। भारत पहुंचने में किन किन लोगों ने मदद की है, क्योंकि 4 बच्चों के साथ और 2 देशों को और आप लांघते हुए भारत आ रही हैं, किसने आपकी मदद की, सचिन से पहली बार कहां मुलाकात हुई थी, ये सारी डिटेल्स इस वक्त यूपी एटीएस की टीम इकट्ठा करेगी। सीमा से पूछताछ में 3 मोबाइल और 5 सिम कैसे आए ये जानकारी भी, क्योंकि मोबाइल फोन भी सीमा ने चेंज किया था और इसके अलावा 5 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था, यह खबर भी सामने आई है। इससे जुड़ी भी सारी जानकारी यूपी एटीएस जुटाएगी। भारतीय सीमा में किस तरीके से वो दाखिल हुई थी और भारतीय सिम दिलाने में किसने मदद की थी, ये सवाल भी है। आपको बता दें जिस तरीके से सीमा बताती रही है कि दुबई से फिर वो काठमांडू और काठमांडू से यहां पहुंची है भारत, तो ये भी आपको बता दें कि सिम से संबंधित तमाम सवाल पूछे जाएंगे। इस्तेमाल के बाद मोबाइल क्यों तोड़ दिया गया, क्योंकि 3 मोबाइल फोन कहा यह जा रहा है कि सीमा ने इस्तेमाल किया था, 3 आधार कार्ड और पासपोर्ट कहां से आए, ये सवाल भी पूछा जाएगा। सचिन की पत्नी के नाम पर कैसे बना आधार, ये भी पूछा जाएगा क्योंकि ये आईडी कार्ड इनके पास है। भारतीय भाषा और रहन सहन कहां से सीखा, कैसे सीख लिया इन्होंने, ये सारे वो तमाम सवाल हैं जो सीमा से यूपी एटीएस पूछेगी।
राहुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, ये सवाल आपने भी सुना होगा, ये वो तमाम सवाल है जो पहले दिन से हर किसी के जहन में भी, और बार बार सीमा से जब सवाल पूछा जाता है तो वो यही जवाब देती है कि वो नेपाल के रास्ते आ गई, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, तीन देशों की सीमा लांग रही है, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से आप नेपाल पहुंचती हैं काठमांडू, वहां से आप हिंदुस्तान आती हैं, वे जो आपकी बोलचाल है वो भी एक आम हिंदुस्तानी की तरह है। ये बहुत कई बार ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है। प्रिया, सवाल क्योंकि कई सारे हैं, प्रिया सवाल में आपने सही कहा कि नेपाल से यहाँ पर कैसे आई, लेकिन नेपाल से यदि यहाँ पर आई है तो आखिर में किस तरीके का, किस रूप से आई, किसने इसकी सहायता की, सिम दिलाने में किसने सहायता की, आधार कार्ड दिलाने में सहायता किसने की, ये रूट पूरा का पूरा पता चलना चाहिए कि आखिर में ये कितना बड़ा, कैसे दुबई के रास्ते दुबई गई, दुबई से फिर उसके बाद यहाँ पर नेपाल के रास्ते यहाँ पर आती है। ये तो सीमा बता रही है कि वो नेपाल के रास्ते यहाँ पर पहुंची है, लेकिन आखिर में किसने सहायता की, कौन कौन इसमें सम्मिलित था, इन सभी चीजों की जानकारी यहाँ पर मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही कारण है कि यहाँ पर यूपी एटीएस यहाँ लेकर के पूछताछ करने के लिए लेकर के गई और यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। देखिए, सभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तमाम जो मोहल्ले के भी लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं यहाँ पर, और तमाम यदि कहा जाए कि कोशिशें यहाँ की जा रही है कि दरवाजे को खोलने के लिए। आप लोग यहीं पे रहते हैं, कहाँ आप भाई साहब कहाँ रहते हैं आप लोग? आप यहीं पे रहते हैं भाई साहब? कई लोग हैं, क्योंकि सीधे तौर पे लोग बोलना नहीं चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज है। आप यहीं पे रहती हैं? आप मथुरा से आई हैं, क्या करने के लिए? इन्हें देखने के लिए। अच्छा, इन्हें देखने के लिए आप आई हैं। आप भाई साहब यहीं पे रहते हैं? यहीं रहते हैं। कब लेकर के गई है पुलिस? देखा ये जानकारी? ये जानकारी नहीं सर, जानकारी नहीं है। ये दरवाजा कब से नहीं खोल रही है? पता नहीं, आज हमारी छुट्टी है तो हम तो आज छुट्टी पे यहीं पे, हम तो साहब नौकरी करते हैं ड्यूटी। एक माता इसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर में कब से हमें ना पता कोई। अच्छा, आप लोगों को ये यहाँ लोग क्योंकि अब सीधे तौर पे बातचीत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक जरूर यह है कि दरवाजा इन लोगों का नहीं खुल रहा है, कई दिनों से ये दरवाजे को नहीं खोल रहे हैं, हालांकि परिवार इसके अंदर में ही मौजूद है और उसके उसमें से निकल नहीं रहे हैं। जिस तरीके से मीडिया के सामने तमाम यदि देखा जाए, 4 से 5 दिनों पहले ये देखा जाए कि तमाम, क्योंकि यहाँ पर लगातार जमावड़ा भी लगा हुआ है, बार बार सवाल सीमा से पूछे जा रहे हैं, हालांकि परिवार पे भी उसका असर हो रहा है और लोग भी बार बार इन बातों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन सच क्या है ये सीमा ही बता सकती है, जो फिलहाल यूपी एटीएस की गिरफ्त में है, ले गई है, पूछताछ उनसे हो रही है। Z News.